आंध्र प्रदेश के वज्र करूर सराउंडिंग में दुनिया का अति उत्तम वज्र खजाना मिल रहा है। उस जगह को गवर्नमेंट एक प्राइवेट जोन बनाकर रिसर्च करवाए तो करोड़ों का खजाना अपने हाथ लगेगा सर। लेकिन कई सालों से चेन्नई गैंग, मुंबई डॉन्स उन हीरो को वहां के लोगों से इकट्ठा करके करोड़ों रुपयों की कमाई कर रहे हैं। उनके साथ कई पॉलिटिकल लीडर्स भी मिले हुए हैं, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सर। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, वो सरकार का धन है, सरकार को ही मिलना चाहिए। देखिए ऑफिसर्स, तुरंत उस एरिया को डायमंड जोन डिक्लेयर करके जमाल जिस की एक टीम तैयार कीजिए। वहां मिलने वाला हर पत्थर गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, उसकी जरूरत का बजट गवर्नमेंट ही तय करेगी। थैंक यू सर, आज ही एक जमालजिस्ट टीम को अपॉइंट करते हैं। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और कितनी देर लगेगी? पहुंचने वाले हैं सर। ब्रिटिश के जमाने की जीप लाओगे तो ऐसा ही होगा, समझे? डिपार्टमेंट की जीप है ना सर। बस एक मिनट सर। एटमॉस्फेयर तो अच्छा है, प्रकृति भी हरी भरी, ठंडी और बहुत खूबसूरत है। ट्रांसफर किया तो भी अच्छी कूल प्लेस में किया रे। ड्यूटी में उतरोगे तो पता चलेगा कूल है या गर्म। क्या कहा? बस कुछ नहीं सर। क्या कमर हिला के चल रही है? लड़की अच्छी है? वो वही लड़की अच्छी है क्या? हाँ, पता नहीं सर। क्या नहीं पता? उस लड़की के बारे में नहीं पता या फिर किसी भी लड़की के बारे में नहीं पता? मतलब शादी हो गई? हाँ हो गई सर। दीदी खूबसूरत है? मतलब थोड़ी खूबसूरत है सर। क्यों, खूबसूरत लड़की से शादी क्यों नहीं की? वो घर वालों ने शादी कर दी। जी तैयार है सर, चलिए हम लोग चलते। चलो। अच्छा ये बताओ, अभी अगर खूबसूरत लड़की मिले तो शादी करोगे? छोड़िए सर, आप बहुत मजाक करते हैं। एक बार पूछ कर देखना था ना। किससे सर? अरे घर वालों से। अभी मरना है क्या?
अरे उस पे क्यों चिल्ला रहा है, तेरी तरह वो भी किसी लड़की को देखकर ही चल रहा होगा। सर लड़की हो या खूबसूरती हो, चुपचाप देखकर एंजॉय कर, सब तुझे ही चाहिए। सोचेगा तो कभी ना कभी एक्सीडेंट में मरेगा तू भी। अरे ये कैसा इंसान है यार जो देखकर एंजॉय करने को कह रहा है, पता नहीं कहां से आ टपका है। मुझे तो ये कोई सरफिरा लगता है। क्या हुआ, मुझे सरफिरा समझ रहे हो क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। स्टेशन भी अच्छा ही है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम जॉन, वेलकम टू वज्र करूर रिजर्व ऑफिस। थैंक यू। आई एम हरिकिशन सर। दिस इज मधु सर। वेल देखिए, इस एरिया में अब कभी भी डायमंड रंगीन पत्थर चोरी नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। टेक केयर। यस सर। हाँ और सुनो, इस गांव में से किसी ऐसे आदमी को उठा लो जो बहुत सारी दारू पीता हो। ओहो, नाम कितना ही देवदास से लगता है। कंपनी चाहिए शायद इसको, इस गांव के लिए जम जाएगा। या? नहीं कुछ नहीं सर, अभी लेके आते हैं। सर चार्ज ले लिया हूं सर, उनकी सिक्योरिटी का मैं ख्याल रखूंगा। नहीं सर चेकपोस्ट नहीं है, कल शाम तक अरेंज करता हूं। ठीक है सर, आई टेक केयर अबाउट दैट। ओके सर। आपके काम का आदमी आ गया है सर। मैं नहीं आया हूँ सर, ये लोग ही उठा कर लाए हैं। फिर भी मेरे साहब को क्या काम है सर, करे ड्यूटी चढ़ते समय पे ये लोग डिस्टर्ब कर दिया सर। ड्यूटी पे? जी हाँ सर, दिन ढला तो बस पेट चाहिए, नहीं तो फिर लटकू 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 कहकर मरेगा ये पापी पेट सर। अरे अरे कहाँ सर, चल बैठ। आज तेरी ड्यूटी यहाँ पे ज्वाइन कर। अरे एक ही बोतल क्यों लाए, खत्म हो गए तो क्या करेंगे? अरे आप मत डरिए सर, इस गांव में लाल गुड़िया से लेकर काले कुत्ते तक सब माल मिल जाएगा सर। लाल गुड़िया काला कुत्ता, ये क्या है भला? वही सर, रेड लेबल ब्लैक डार्क। छोड़ यार इस गांव में वो सब कहाँ है। बाप रे आप क्या समझ रहे हो, इस गांव में ज्यादा बिक्री कहाँ होती है पता है? हाँ। अपनी दुबई रानी है ना, उसके पास कोई भी माल मांगो मिल जाएगा सर। दुबई रानी कौन है? दुबई वाली बोलकर उसका स्वास्थ्य सब पर चढ़ गया, इसलिए उसका बिजनेस बढ़ गया, उसके पास तो सब माल मिलता है। अरे बाप रे पानी क्यों डाल रहे हो, मैं तो ऐसे ही पीता हूँ। क्या काच है सर, हमारी देसी दारू के आगे ये काच, तुच्छ। एक समय था हमारे जमींदार जी को छोड़कर सब देसी दारू ही पीते थे। जमींदार मतलब वो बंगलों में रहते हैं वो? अब कहाँ है सर, सब बिक गया बेचारे का। वो बड़े साहब घोड़ों की रेस वगैरह में जाकर सारी जायदाद लुटा दी। उसके बेटे और बेटी के लिए तो वो बंगला छोड़कर कुछ नहीं बचा है सर। वो विजय साहब कभी कभी शंकर के होटल में आते हैं सर। विजय मतलब वो जमींदार का बेटा ना? हाँ वही सर। शंकर का ढाबा, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता होगा ना? जी हाँ सर, वो शंकर भाई के पास खाना शिवा ही तो बनाता है। एक बार उसके हाथ का खाना खा लोगे तो वापस वहीं जाओगे सर। बुरा मत मानना सर। इस गांव में और कोई बोलने लायक है क्या? बोलने के लिए क्या है साहब, बहुत लोग हैं। एक बालू है, चेन्नई से मुंबई तक किसी हीरोइन को नहीं छोड़ता है, लेटर लिखना ही उसका काम है। और वो अपना जमाउल्ला, जखम लगा तो दवा, नाटक किया तो मंत्र पढ़ता है, वो क्या करता है उसे नहीं पता। और स्मगलर भी है, वो यहाँ सिर्फ पत्थरों को कोयम्बटूर में बेचता है और वो वहाँ से मुंबई भेज देता है, उसके भरोसे ही यहाँ बहुत लोग जी रहे हैं साहब। मौसम की जानकारी, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटों में महाराष्ट्र गुजरात के साथ उत्तर आंध्रा में भी बारिश होने की आशंका है। देख बारिश आएगी, आज बारिश जरूर आएगी, सब सावधान रहना, बारिश होते ही हीरे दिखने लगेंगे, शिकार शुरू होगा और इस शिकार में हीरे जिसके भी हाथ पहले लगे अंत में वो हमें ही मिलने चाहिए, समझे? ठीक है। एक भी हीरा हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। नया रिजर्व ऑफिसर आया है सुना है? सुना है, चेक पोस्ट भी लगाया है। टेक केयर। बारिश शुरू होते ही हमें उस चेक पोस्ट के आगे उस जोन में जाना होगा। पहले लोकल आदमियों को पकड़ना, पहले उन गांव वालों को करेक्ट कैच करना होगा। किसी से भी डरना मत, जो भी होगा देख लेंगे। किसी से भी डरना नहीं, समझ गए?
रोटी नहीं बना सकता, बिरयानी नहीं बना सकता, चाय भी नहीं बना सकता, किस लिए है तू? सिर्फ तीन टाइम रोटी तोड़ने के लिए? क्या हुआ चाचा, इसे क्यों मार रहे हो? देखो ना इसको, रोटी के लिए आटा भिगोने के लिए कहा तो उसका शोरबा बना दिया इस गधे ने, कुछ नहीं आता इसको। चल भाग यहां से, भाग। ए भाई आजा, आया है स्पेशलिटी बना कर ला जल्दी। ठीक है अभी देता हूँ मैं। कैसे बेटा? सब ठीक है चाचा जी। अरे आता हूँ भाई। सर वाटर। क्यों भाई, राखी सावंत ने फोन किया क्या? नहीं रे, उसकी माँ ने फोन किया था, तुझे अर्जेंट मुंबई बुलवाया है। किस लिए भाई? उससे शादी करने के लिए। नहीं नहीं, एज का फर्क है भाई। तो कौन सी एज की लड़की चाहिए? एक 20 साल की चलेगी। हाँ? हाँ? नहीं मिली तो 10 साल की दो लड़कियां भी चलेंगी। चल चल निकल। अरे इसकी शादी की बात छोड़िए, वैसे आप शादी कब करने वाले हो? लड़की मिलने पर। ओ क्यों, इस गांव में लड़कियां ही नहीं बची हैं क्या? हमारे पसंद की लड़की मिलनी चाहिए ना। ओ वैसे आपकी क्या पसंद है, करिश्मा या करीना? मिस इंडिया से भी ज्यादा और हम पे हो फिदा। आंखें हो फूलों की तरह, होठ हो गुलाब की जैसे, लचकती हुई कमर हो, चले तो मोरनी की तरह। अरे बाप रे, क्या रे ये कैसा ड्राइवर है, ये हमें डरा कर रख दिया। ए, इस ड्राइविंग से तुम लोग इतना डर गए तो आज के दिन तुम लोगों को जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। वो किसलिए? वो इसलिए कि आज का दिन अमावस्या। अरे अमावस्या है तो क्या हो जाएगा? इस जंगल के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। क्या कहा? यहाँ दिन के समय इस जंगल में छाना 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 करके भगवान चलते हैं, ऐसा सुनाई देता है। और फिर रात होने पर लक 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 करके यमदूत चले, ऐसा सुनाई देता है। लेकिन इस जंगल में कौन आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, मैं नहीं जानता और वो यमराज भी नहीं जानता, लेकिन मैं तो सिर्फ ड्राइविंग जानता हूँ। बेवकूफ कहीं के, गांव में इंसानों को नहीं छोड़ते, जंगल में पेड़ों को नहीं छोड़ते, वहां मारना यहां काटना ऐसा ही करते जाओगे क्या? वहां कोई नहीं बचेगा, यहां कुछ नहीं बचेगा। रुको रुको रुको, जीप पे चलो। ए, क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्यों, कुछ करने के लिए ही रुका जाता है क्या? नहीं रुकने का, ये एरिया अब डायमंड जोन है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मूलिकाओं का बिजनेस करते हैं, इसीलिए कभी कभी हमें यहाँ आना पड़ता है। अब से मूलिकाओं ढूंढना नहीं और यहाँ पर दोबारा दिखना नहीं। ऑलरेडी गवर्नमेंट से ऑर्डर आया हुआ है, डायमंड रिसर्च करने वाले आए हुए हैं, पब्लिक का आना मना है। दोबारा यहाँ पर आसपास दिखाई पड़े तो ठीक नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। ए जॉन, शाम तक वो चेकपोस्ट चालू हो जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग आते ही रहेंगे। कहाँ से आया है रही ये ऑफिसर? मुझे इस जंगल से जाने का ऑर्डर दे रहा है बेवकूफ। किसे कहाँ भेजना है इसे अभी तक पता नहीं है। इस हार मुर्गन से पंगा लिया तो आरडीएक्स से पंगा लेने जैसा होता है। ए, कौन है तू? ओ तू है, तेरे लिए कितनी देर से इंतजार कर रहे थे हम, और तू पेड़ पर से उतर रहा है, जमीन पर नहीं चल सकता? चल रहा था तो रिजर्व वाले आके तो झाड़ पे चढ़ गया। अब वो चले गए तो उतर गया, माल कहाँ है रे? ए, तुझे कोई दूसरा प्लेस नहीं मिला क्या? अरे रे रे रे, कहीं भी रखो क्या फर्क पड़ता है, माल जबरदस्त है। फिर मिलते हैं। आ, 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 आ,
अरे ये तू क्या कर रहा है बे? क्यों रे, ये फूल देखकर मुझे किसकी याद आती है बता? तुम्हारी मल्लिका भाई। मल्लिका की याद आती है तो मुझे और क्या याद आता है? गाने की याद आती है भाई। क्यों रे, मेरी यादों को तूने गीला कर दियो। तू क्या करता है बता? क्लीनिंग भाई। दोबारा कोई फूल को देखा ना तो उसे क्लीन करने का, अगर क्लीन नहीं किया ना। चलो आज से हमें ये काम शुरू करना होगा, ये काम बहुत जरूरी है। सारे कुली आ गए हैं, किस एरिया में पत्थर ढूंढना है बता दीजिए तो हम काम शुरू करते हैं। गुड। देखिए मुझे आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा इस एरिया में कहां क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। सो मिलने वाले रंगीन पत्थरों को हमारे साथ ढूंढिए, हम उन्हें टेस्ट करवा कर अपनी जरूरत के मुताबिक एनालाइज करवा के रख लेंगे। ठीक है? ठीक है साहब। आज से ही इनके साथ काम शुरू करते हैं। नहीं साहब, आज धान की कटाई है, हम लोग नहीं आ सकते हैं। चलते हैं साहब। चलो मिस्त्री, मिस्त्री। अब तक डायमंड चुरा कर अपना धंधा करने वालों को अचानक से कुली बनने के लिए कहेंगे तो कौन आएगा बताइए? किसी भी हाल में हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बिना प्लानिंग के करेंगे तो ऐसा ही होगा। क्या रे मल्ली? ये क्या, मैं तो सोची थी तू तो कस्टमर लेके आएगा, तू तो खाली हाथ ही लाता हुआ आ गया। जले हुए बैंगन की तरह मुंह क्या बनाया है? अरे जाओ दीदी, जब से वो रिजर्व्स वाले यहाँ आए हैं कस्टमर सारे यहाँ आने से डर रहे हैं। रिजर्व वालों का कस्टमर के साथ क्या लेना देना? अरे क्या दीदी, पड़ोस में बिल्ली चिल्लाएगी तो घर के चूहे तो डरकर भागेंगे ही ना। अरे हट, चूहे बिल्ली की क्या कहावत सुना रहा है? जंगल में मिलने वाले रंगीन पत्थरों से मेरा गल्ला वो कस्टमर भर देंगे ये सोच रही थी, सब उल्टा हो गया, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अरे जाओ दीदी, अभी चित्रांगी चिंतामणि के जमाने की तरह बिजनेस करना चाहोगी तो अपनी दाल नहीं गलेगी, अब बिजनेस ऑफिशियल होना चाहिए। ऑफिशियल? अरे तुम जरा सोचो तो, खाना पीना सोना सब एक ही जगह मिलने लगे तो एक ढाबा ओपन करो। क्या दीदी ऐसे क्या सोच रही हो? स्टार्ट कर दे। ओके। चाचा, चाचा। राजा बेटा, बैठो बेटा। क्या हुआ चाचा? बिरयानी की खुशबू नहीं है, पराठे बन नहीं रहे हैं, एक भी कस्टमर नहीं है, क्यों? पूरे गांव ने उपवास की दीक्षा ली है क्या? उपवास की दीक्षा नहीं, दुबई रानी की दीक्षा। ओ, नए ढाबे वाली, नए को मजा पुराने को सजा, क्यों? अपने शिवा से भी अच्छा बनाते हैं उधर। माँ भले ही बच्चे को कितना भी खिलाए पिलाए लेकिन उसकी नजर हमेशा बाहर के चॉकलेट पे ही रहती है राजा बेटा। वो चॉकलेट खाने वाले चार दिन में ही चॉकलेट खाकर पक जाएंगे और अपनी बिरयानी खाने वापस आएंगे। इस गांव में दुबई रानी के पास लड़कियां बहुत हैं, लेकिन जियाने के लिए पैसा नहीं, और ये है कि फूलों से काम चलाता है। छी। ए, किसके ऊपर चिढ़ रहा है बे? कुछ नहीं भाई, आपकी मल्लिका को पोस दूं क्या भाई प्यार से? क्या बात कर रहा है यार, मेरी मल्लिका को तू इतना चाहता है, तू बहुत अच्छा बच्चा हो गया है। इधर आ जरा। तुझे मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं और मेरी मल्लिका। भाई, 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 तुम्हारी पूरी कहानी पता चल गई भाई। फूल यानी मल्लिका है ना भाई, मैं मानता हूँ ना भाई, लेकिन तुम भौरे हो भाई। भौरा किसी भी फूल पे बैठे वो गलत नहीं होता है ना, वही फूल के बजाय एक लड़की को सोच के देखो भाई, कुछ गलत नहीं होता है भाई। अरे रे 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 रे, ये तो मेरी मल्लिका को धोखा देने जैसा हुआ रे। अरे दिल में मल्लिका को मल्ली 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 कह के सोच लो भाई, गलत सही हो जाएगा ना भाई। अरे तो फिर मेरी मल्लिका? अरे मल्लिका नहीं, ये तो सिर्फ पौधा है भाई। मल्लिका वो देखो, कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो। भाई ये कैसी है? भाई ये कैसी है? भाई ये कैसी है? ये भी नहीं, कुछ फील करो ना भाई। नहीं आ रही है बे। Thank you.
बोलिए सर, क्या हुआ यहाँ पे? वो हम सब सर्च कर रहे थे तो अचानक हम लोगों को एक बहुत बड़ी चीख सुनाई दी। कितना भी ढूंढा लेकिन वो कहाँ से आई, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। लेकिन हमारी टीम में किशोर नाम का जेमोलॉजिस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ढूंढा तो यहाँ पे हमें खून मिला। Shit! Something is happening. आप लोग फिक्र मत कीजिए, यहाँ सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, बाकी हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? मरने के बाद लाशों को? मतलब किशोर कंफर्म मर चुका है, तुम्हें पता है? जॉन, ब्लड सैंपल्स को चेकिंग के लिए लैब में भिजवा दो। ओके सर। आप लोग जितना हो सके अकेले काम मत कीजिए, मैक्सिमम ग्रुप में रहिए। ओके ओके। और कोई क्लूज मिलता है क्या? देखो। यस सर। पता नहीं किसी जानवर ने मारा या फिर किसी इंसान का है ये काम। ला इधर रखो। बढ़िया। मस्त है। बहुत अच्छा है। अरे मटन जबरदस्त है। तीन बिरयानी और ले जा। बिरयानी और ले जा। हर रोज यहीं आएंगे। जबरदस्त बिरयानी है। हेलो चलो भाई। अरे रख ले अरे ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? जब से अपना आदमी गायब हुआ है सब बहुत डरे हुए हैं। पत्ता हिलता है तो डरते हैं, आहट होती तो डरते हैं। पल पल डर डर कर हथेली में जान लिए तड़पते हुए कब तक सहेंगे सर? इसीलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर हम हर चीज से डरने लगे तो हम नौकरी कैसे करेंगे? कुछ चैलेंजिंग जॉब्स में ऐसे रिस्क होते ही है रामू, इस वजह से हम नौकरी छोड़कर तो नहीं। ये जगह छोड़ के जाने की बजाय यहाँ रुक कर लड़ने के लिए हम लोग बॉर्डर के सैनिक नहीं है सर। वो सामने से दुश्मन को देख कर लड़ते हैं, लेकिन हमारी हालत किस समय क्या होगा, किस समय कौन मर जाएगा, ये हम में से कोई नहीं जानता है। प्लीज अंडरस्टैंड। यही नहीं, हम सब लोग जितना जल्दी यहाँ से चले जाए उतना ही अच्छा होगा। व्हाट जेम्स? यस। व्हाट रविश यू आर टॉकिंग आई से। हर पल हर समय मौत का डर। कहाँ नहीं है डर? हम रहने वाले सिटी कल्चर में नहीं है। सवेरे घर से निकलो तो शाम को वापस घर लौट कर आओगे, ये भरोसा होता है तुमको? जी भर के सांस लेना चाहे तो कहाँ कौन सा वायरस अटैक कर देगा, इस बात का डर? खुशी से कभी बीवी बच्चों के साथ बाहर निकलो तो कहाँ कौन सा बम फट जाएगा, इस बात का डर? सारे डर दिल में रखकर पल पल मौत से जूझने वाले हम लोग आराम से इस प्रकृति माँ के बीच ताजी हवा खाते हुए, हम गवर्नमेंट से मिल रही तनख्वाह लेते हुए देश की सेवा करने का वक्त आया है तो ही तुम लोगों को लग रहा है क्या डर? ओके, अब यहाँ कुछ हो रहा है इसलिए अपने गांव जाओगे, वहाँ कुछ हुआ तो तुम लोग किसी और जगह जाओगे, और अगर वहाँ भी कुछ हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? पाताल में जाओगे, समुद्र में जाओगे, आसमान में जाओगे या फिर चांद पे जाओगे? बताओ बताओ बताओ। ओके सॉरी सॉरी माई कोलिग्स, आई वॉज एक्साइटेड। जाइए अपनी अपनी पसंद की जगह पे जाइए। ड्राइवर जो जहाँ जाना चाहता है उसे छोड़ दो। सॉरी सर, प्रोजेक्ट खत्म होने तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। थैंक यू। अगर आप लोग इस तरह से साथ दोगे तो हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो चलते हैं। ए मल्ली, पुराने कस्टमर सब कहाँ गए? मस्त है, बढ़िया है, आहा ओ कहकर जो सब मजे ले रहे थे वो सब कहाँ गए? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, अपने यहाँ की आइटम्स पुरानी हो गई है ना, इसलिए कस्टमर्स हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं दीदी। हाँ हाँ, ये बहुत बड़े कस्टमर्स थे तो इनके लिए अपने आइटम्स बदले क्या? सुन, एक काम करते हैं, कस्टमर्स जहाँ आइटम्स को सीधे वहीं सप्लाई करते हैं हम लोग। सुन,
बिजनेस उन लोगों का और कमीशन हमारा, कैसा लगा? लेकिन एक बात याद रखना, अपनी आइटम्स मिस नहीं होनी चाहिए, ये बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझसे कहा ना, समझो काम हो गया। ए विमला, मेरे साथ चलोगे क्या? कहाँ? क्यों, नहीं बोलोगी तो नहीं आओगे क्या? ओम फट। दीदी, दीदी काम बिगड़ गया। क्या दीदी हुआ रे? विमला जिससे सेट हुई थी उसके साथ भाग गई क्या? नहीं दीदी, विमला जिससे सेट थी वो मर गया दीदी। वो मर गया? अच्छा तो विमला? उसे मरा हुआ देख के वो भाग गई दीदी। अरे वो क्यों भाग गई? वैसे ही बिजनेस खराब चल रहा था, ऊपर से ये लफड़ा। कैसे हुआ ये? शाम को अचानक जंगल से एक बड़ी चीख सुनाई दी, फिर सब कुछ पहले जैसे ही हुआ। I don't know what is happening here. उसे बाहर जाते हुए किसी ने देखा क्या? Come on, speak out. कोई मदद नहीं करेगा तो हम भी क्या करेंगे? Please try to understand. उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? उस वक्त तो मैं वहीं पे था सर, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता सर। मुझे लगा कि वो माचिस लेने गया था सर, और उसके बाद वो मुझे दिखा नहीं सर। सच सर, मैं कुछ नहीं जानता। अरे चुप कर। देखिए, मैं दोबारा वही कह रहा हूँ, दया करके आप अकेले मत घूमिए। सावधान, उस वक्त आप कहाँ थे? What do you mean? I mean, उस वक्त आप कौन सी जगह पर थे? अपने रूम में। बाद में बाहर कब निकले? इस गड़बड़ी को देख कर बाहर आया, that's all. आना भी चाहिए, घूमना भी बहुत हो गया है। खबरदार। घूमना क्या? तुम गवर्नमेंट सर्वेंट बन के आए हो या फिर उस स्मगलर के सप्लायर बन के आए हो, पता चला तो सब बाहर आ जाएगा। ऑफिसर, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। आई नो माय लिमिट्स मिस्टर। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल करना गुनाह है। मैं सीधे रास्ते पर ही चल रहा हूँ, आप इन्हें अपने मन में कुछ बात छुपा रखी है। तेरे पीछे कौन है ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। गुनाह करने वाला शायद भगवान से बच सकता होगा, लेकिन मुझसे नहीं। लेट्स गो। देखो सिंदूरा, इंसुमिनिया केस में तुम्हारे फादर का बहुत रेयर केस है। उन्हें कई सालों से नींद नहीं आना, इनमिया डायबिटीज। काम के तहत वो मिलिट्री ऑफिसर होने से उनके सर्विस में की हुई वो लड़ाइयां, उनके हाथों से हुई मौतें, उस समय ये सब उनके काम का हिस्सा थी। इसका कारण मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। रिटायरमेंट के बाद माइंड में इंटमेंट हुआ, वो मेमोरीज मौके पर रिकलेक्ट हुई तो उनको होने वाली तकलीफ, मेंटल स्ट्रगल जो उन्होंने किया, सही गलत यही उनका स्ट्रगल है। उनकी मामले में मैंने भी ये महसूस किया। बट रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारे फादर साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोमेनिया स्टेज पार करके वो पैराडोसिकल इंसोमेनिया स्टेज पर पहुंच गए हैं। स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। एक बात सच है, हमारे ट्रीटमेंट से ज्यादा वो उनका उनके ख्यालों से बाहर निकलना ही इसका सही इलाज होगा। आई मीन दिस इज द बेस्ट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हिम टू कम आउट ऑफ दिस। क्या मैं रिपोर्ट ले जा सकती हूँ सर? श्योर, टेक दिस रिपोर्ट्स। थैंक यू डॉक्टर। सर, दिस इज प्रभाकर राव फ्रॉम वज्रकरू डायमंड जोन। वहाँ के हालात ठीक तो चल रहे हैं ना? सॉरी टू से,
यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं सर। What happened? सर, मुझे लगता है हमारे जेमोलॉजिस्ट को ही टारगेट करके कोई कुछ कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है सर। एक के बाद एक गायब हो रहे हैं सर। हमें डराने के लिए इनका किडनैप किया जा रहा है, ऐसा हमें नहीं लगता है सर। और तो और, ये लोग जहाँ गायब हुए थे वहाँ खून के निशान भी मिले हैं। Some sort of serious action is needed, sir. Please. Right, Mr. Purmakar. मैं special officer सिंधुरा को भेजता हूँ. It's fine, sir. Thank you very much. Okay. समझ गई sir. So, तुम्हें तुरंत charge लेना होगा. I understood the situation. Okay. Sure, sir. Good morning, Mr. Prabhakar Rao. Oh, good morning. CBI से सिंधुरा बोल रही हूँ. Fine. वहाँ की सारी बात पता चल गई है। मैं चार्ज लेकर चार असिस्टेंट के साथ आऊंगी। बट वन थिंग, हम भी आपकी तरह जेमोलॉजिस्ट बनके एंटर होंगे। किसी भी हाल में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम कौन हैं, नहीं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में परेशानी होगी। आपके कुलीग्स की तरह ट्रीट कीजिएगा। इट्स ओके मैम, दैट आई विल मैनेज। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। दिनों दिन घर की हालत खराब होती जा रही है, कर्ज भी नहीं कर सकते, भीख भी नहीं मांग सकते। अरे क्या बात कर रहा है तू, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तेरे साथ प्रॉब्लम अभी आई है, मेरे साथ तो बचपन से है। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। रखो विजय, आइडिया में एक नया पैकेज आया पता है। ओह, तेरे पास तो फोन ही नहीं है ना। एक आइडिया जिंदगी बदल देगा, बताया तो मेरे गाल का शेप ही बदल दिया। चल जा। क्या रे, बेकार में उस पे हाथ उठाया। सबको बहुत चर्बी आ गई है। बचपन में जब मैं अपने पिता के साथ निकलता था, चप्पल हाथ में लेकर, बगल में तौलिया दबाकर, झुक झुक कर सलाम करते हुए निकलते थे। छोड़, आज पैसे नहीं है तो क्या हुआ, इतना गिरा हुआ लगता हूँ क्या इनकम। अरे छोड़ ना यार, जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला है यार, इंसान और उसके रंग ढंग बदल गए हैं। एक एक को चीर कर रख दूंगा। मिस सिंधुरा। यस। दिस इज प्रभाकर राव। Welcome, Sindhura. Thank you very much, sir. This is Sindhura from our central office. Hello. ये इनके associates हैं। Hi. आज से ये लोग भी हमारे project में involved हो रहे हैं, okay? क्या रे, यहाँ रहने वाले कुछ नहीं उखाड़ पाए, ये नई lady finger यहाँ के क्या उखाड़ लेगी? Okay. Okay. Hi. Hi. I'm James. मिलते हैं। Nice place, beautiful view. बाहर से सब खूबसूरत ही दिखता है, लेकिन लगता है हर एक के दिल में अनजाना सा डर छुपा हुआ है। अरे इसने अपनी साइकोलॉजी शुरू कर दी। आहा, you are wrong. स्टेला ने जो कहा 100% करेक्ट है। हम लोग जिन जिन लोगों से भी मिले उन सब में एक अनजान डर था, उस डर को भगाया तो ही आगे के बारे में सोच सकते हैं। मैम सब सामान वहाँ रख दो। एक चाय। स्पेशल चाय? स्पेशल चाय में क्या करते हैं? बनाते हैं। पहली बार देखा है, इस गांव में नई हो? जी हाँ, जेमोलॉजिस्ट हूँ, कैंप में नई आई हूँ। अकेले आई हो? अकेले ही, अकेले कौन नहीं रहता, आप भी तो रहते हैं। ओह शिट। ये क्या लगा रहे हैं? एंटीबायोटिक। कटा तो हल्दी, जला तो मिर्ची। तुम बैठो। थैंक यू। अरे ज्यादा लग गए क्या? अब ठीक हो जाएगा। ओ ओ, कैसा हो गया? ये यहाँ पे नई आई हुई। हाय, आई एम सिंधुरा। आई एम विजय राज। आई एम बालू। नाइस टू मीट यू। बैठिए। चला। आप बहुत खूबसूरत हैं जी। ओह थैंक यू। आप दोनों भी अच्छे लोग मालूम होते हैं। क्या कहा? अच्छे लोग? इसे देखकर भी आपने ऐसा कैसे सोचा? ऊपर से ऐसा दिखता है बस, अंदर जाओगे तो मालूम पड़ेगा असली बात। लगता है इसे बुरा लग गया, बहुत सेंसिटिव है क्या?
उसका मूड कैसा रहता है उसे खुद नहीं पता। एक समय बड़े जमींदार थे वो लोग, अब उनकी सारी जायदाद में से एक बंगला ही बचा है। एक समय लोग उसे देखकर झुककर नमस्ते करते थे, अब नहीं करते हैं तो उसे समाज से नफरत होने लगी है। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ यहाँ पर काम में कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, सब ऐसे क्यों बैठे हैं? तुम जो देख रही हो वो बिल्कुल सही है। हमारे आते ही यहाँ के सभी लोकल लोगों ने हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग उनकी पेट पर लात मारने और कमाई हड़पने के लिए आए हैं। एट द सेम टाइम अपने दो आदमी गायब होने से छोटा सा पत्ता भी हिले तो कोसों दूर भाग रहे हैं वो लोग। इतना डर बैठ गया उनके दिमाग में। ये सब देख कर लगता है कि कुछ अनजान लोग हमें डरा कर यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम न कर पाए। इट्स ओके राव सर, आप जाइए, मैं बाहर घूम कर आती हूँ। एक तो हालत वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हारा अकेले जाना। अगर मन में हौसला हो तो किसी भी हालत का सामना कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट मी, गॉड इज विद अस। मत मारो, मत मारो, सब ए, मार क्यों रहा हूँ तुम लोगों को? हमारे आने से पहले नक्सलाइट्स को भगा देते हो, स्मगलर्स को माल पहुंचाते हो, साले चोर कहीं के। साहब मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे इल्जाम मत लगाइए साहब। कुछ नहीं जानते बोल बोल कर सारा जंगल लूट रहे हो तुम लोग। स्टॉप इट, असली गुनहगारों को छोड़कर इन बेकसूरों पर अपनी ताकत दिखा रहे हो। वो बात नहीं है मैडम, ये लोग जाने दो इन्हें, मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन आकर बात करती हूँ। यही फाइनल वार्निंग है, दोबारा किसी ने ऐसा किया तो। चलो मैडम, आपने यहाँ कर बड़ा एहसान किया मैडम। देखिए गवर्नमेंट ने आपको इज्जत से जीने के कई रास्ते दिखाए हैं, तो फिर पुलिस से मार खाने वाले गलत काम क्यों करते हैं आप लोग? जंगल में कई मूलिकाएं हैं, उन्हें इकट्ठा कीजिए, गवर्नमेंट की रिसर्च में साथ दीजिए, काम करके पैसे कमाइए। ये जंगल आपका है, इसे बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आगे से आप पर कोई आंच ना आए ये मैं देख लूंगी। मैडम इतने दिनों से हमें डराने धमकाने वाले लोग ही मिले हैं, लेकिन सही रास्ता तो आपने ही दिखाया है मैडम। आज के बाद आप जो कहेंगी वही सुनेंगे, वही करेंगे। चलिए मैडम, चलिए। नो डाउट गांव वाले वापस आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। इस प्रोजेक्ट में काम करने से आप लोगों को बहुत फायदा है। गवर्नमेंट ने इस इलाके को स्पेशल जोन डिक्लेयर किया है। इस झरने से उस जंगल तक, इस पहाड़ से उस टेंट तक, सब स्पेशल जोन है। समझ गए ना आप लोग? क्या वही पकड़कर गांव वालों को यहाँ ला रही है? चलो देखते हैं। ऑफिसर्स जो कहेंगे वो काम कीजिएगा, इससे आपका भी भला होगा और गांव का भी। सब लोग आ गए हैं सर। ओह वंडरफुल, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। कम ऑन, कम ऑन। जेम्स बोल रहा हूँ, वो गांव वालों को साथ लेकर आ गई है, अब तुम लोग कुछ करो। छी, ढक तरीके, सब उल्टा हो गया, नहीं छोड़ूंगा। उस नई ऑफिसर ने आकर के सारा काम बिगाड़ दिया। कौन आकर क्या उखाड़ लेगा बोलो? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। अपना प्लान सही होना चाहिए, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हेलो सर। हाय देवदास, दिस इज सिंदूरा फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट। मतलब आई मीन आई एम अ जेमोलॉजिस्ट। ओह ओके, इतने दिनों से आपने गांव वालों को अच्छा मैनेज किया है। जिसे मेंटेन करना नहीं आता है उसे सब मैनेज करना ही लगता है।
You mean? या हमारे साथियों को लापता हुए कितने दिन हो गए हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, डिपार्टमेंट मतलब पत्थर ढूंढना, रंग देखना नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन। सब कुछ इतना तुरंत नहीं पता चलता, समझ गए आप? हाँ, सो कहाँ तक पहुँचा आपका इन्वेस्टिगेशन? तो आज होने वाली मिसिंग के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? What? आज भी मिसिंग होने वाली है? आपको पता नहीं? आप क्या कह रही हैं? आपको कॉमन सेंस भी नहीं है, यही बोल रही हूँ। पिछली बार जो लोग लापता हुए हैं उसमें 3 दिन का गैप है। इन केस अगर ये सीरियल मिस्ट्री है तो टुडे इज द सेम 3rd day। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आज फिर हम लोगों में से कोई मिस होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी अरेंज कीजिए, सारे चेक पोस्ट अलर्ट कर दीजिए, और ये सब सनसेट के टाइम में ही हो रहा है तो उस वक्त आप भी हमारे साथ रहकर अलर्ट रहिए। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। टेक केयर। सेम है सिंदूरा, आपको सिक्योरिटी चाहिए तो रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्डर मत कीजिए। डिपार्टमेंट के आदमी को सुपीरियर के अलावा भगवान भी नहीं बोल सकता। आप क्या बॉस की तरह बोल रही हो? वी नो व्हाट बेस्ट वी कैन डू। जानवरों पे जानबूझकर क्रैकर्स छोड़े गए हैं जिससे कि वो हम पर हमला करें। Exactly. हमारे सारे आदमी है ना? मैडम, जियोलॉजिस्ट मोहन राव दिखाई नहीं दे रहे हैं। Shit, come on. Come on. यहाँ पर तो कौन कब कैसे मर रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, कौन मार रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ रुके तो उनके साथ साथ अपनी भी जान जाएगी यार। जिधर देखो मौत का डर है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चले यार। अब तक जो लोग भी गायब हुए थे तो हमें लग रहा था कि किसी जानवर का शिकार हुए होंगे। नो, ये जानबूझकर किए गए ऑर्गेनाइज्ड हार्डकोर मर्डर्स हैं, और वो भी हमें ही टारगेट कर रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत किसे है? या तो स्मगलर या फिर इसी गांव के किसी आदमी के होने का चांस है। अदरवाइज हो सकता है हम में से ही कोई जानता हो उन्हें, पता नहीं लगा तो हमें भी ऐसे ही बली होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऐसी जगहों पर काला जादू करने वाले भी ऐसा खून करने की संभावना है। हाँ, इस गाँव में सब अजीब लोग ही रहते हैं, सिर्फ मर्दों पर ही नहीं औरतों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। वो इंसान थी ये शैतान, पता नहीं चला। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सिंदूरा, इससे पहले जब जनार्दन गायब हुआ था, एक लड़की उसे पेड़ के पीछे से बार बार देख रही थी। जनार्दन के वहाँ जाते ही ये लड़की भी गायब हो गई। मुझे बहुत डर लगा, उस लड़की की आँखों में एक अनजानी सी चमक थी, मैंने गौर से देखा था। तो अभी तक तुमने इस बात को क्यों छुपा कर रखा? कुछ बोल देती तो मेरा क्या होता पता नहीं। मुझे तो सब अजीब लग रहा है। वेलकम मिस्टर देवता, हैप्पी ना? तोते की तरह समझाया था। देयर्स अ चांस फॉर मिसिंग टुडे, प्लीज ध्यान रखना। टाइम पे तो सब गायब हो गए, अब आराम से चले आ रहे हैं। सॉरी,
उसी वक्त चेक पोस्ट पर एक इम्पोर्टेंट केस पर फोन आया तो जाना पड़ा था। ओके, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, अपनी सिक्योरिटी हमें खुद देखनी होगी। ये सब कैसे हो रहा है हमें ही पता करना होगा। अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो हम खुद ही बोल देंगे। ओके। हेलो सर। हाँ हेलो, कौन? सिंदू रहिया। टेल मी। सर एक और खून हुआ, पर वो भी मेरे ही सामने। आई एम सॉरी सर, ये सारे मर्डर्स प्लानिंग के साथ हो रहे हैं और बॉडीज भी नहीं मिल रही हैं। उस किलर का टारगेट क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। हर किसी पर शक करना पड़ रहा है, स्मगलर्स, विलेजर्स, इवन ऑफिशियल्स। किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकती। बट डोंट वरी, आई एम ऑन इट। ये केस जल्द ही सॉल्व कर दूंगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। ओके। अरे विजय, एक बात बता, वांटेड मूवी में आयशा टाके किससे प्यार करती है? सलमान से। छोटी सरकार में नगमा, गोविंदा से। खुशी में करीना, परदीन से। राजा में माधुरी, संजय कपूर है ना? हाँ। तो इस बात से तूने क्या समझा? सारे हीरोइने हीरो से प्यार करती हैं। अरे वो अक्कल के दुश्मन, हीरोइन हमेशा मास कैरेक्टर पे ही मरती है। तो तू कहना क्या चाहता है? मतलब सिंधु मुझसे ही प्यार करेगी? आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या? सिंदूरा कहाँ और तू कहाँ? अगर वो प्यार करेगी तो मुझसे ही करेगी। तू मास नहीं है ना? हम दोनों में फर्क क्या है रे? तेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, तुझे भी काम नहीं, मुझे भी काम नहीं। लेकिन तू जमींदार फैमिली से तो है ना? इस ड्रेस से बाहर निकला ना तो मैं भी मास हूँ बेटा। देखिए विजेंद्र वर्मा जी, मास जो है ना ये गेटअप से नहीं मिलता है, फैमिली से मिलता है। मतलब गोविंदा सलमान, अक्षय तुषार, अजय जॉन से लेकर अनिल सुनील तक सबको मास फाउंडेशन ही है बेटा। इसलिए वो लोग क्लास रहना चाहे भी तो मास लुक आएगा बेटा, समझ गया ना? तेरी फालतू की बकवास बंद कर रहे, सिंदूरा के लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। अरे हट, सिंदूरा मेरी ही बनेगी। ए, ए, तेरे लिए वही सही है। देख तंबी, कुछ भी हासिल करने के लिए प्लान सही हो तो सब कुछ हासिल होता है। इस मामले में तुम एकदम सही हो तंबी। वेरी गुड। थैंक्स। नहीं तंबी, तुम बस हमको ऐसे ही माल पहुंचाते रहो। आगे आगे सिक्योरिटी बहुत टाइट हो रही है, ऐसे में मेरा उनके साथ ऑफिशियली जुड़कर ऐसा करना, ये बात लीक हो गई तो मेरा काम तमाम। कोई भी काम करते वक्त हमें नहीं डरना चाहिए, सामने वाला डरना चाहिए। तुम मेरा काम देखो, मैं तुम्हारा काम देखूंगा, ठीक है ना? ओके। क्यों बच्चे, टाइट लूज कहकर रेट बढ़ाने को कह रहा है? इस आर मुर्गन से खेला तो आर डीएक्स से खेलने जैसा होगा। करने वाला जो भी हो बहुत होशियारी के साथ कर रहा है। हम सभी को बहुत ही ध्यान से इस केस को हल करना होगा। जिस किसी पर भी शक हुआ उस पर ध्यान देना होगा। अपनी श्वेता बता रही थी वो लड़की के बारे में पता नहीं चला, अगर उसके बारे में पता चल जाता तो हमें फायदा होता। बिना किसी कारण के भला कोई लड़की किसी ऑफिसर को क्यों मारेगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और उन ऑफिसर्स में मुझे सबसे ज्यादा जेम्स पर ही शक होता है। इस तरह के गाँव में काला जादू और बलि के नाम पे भी लोगों की जाने ली जाती है, हमें इस नजरिए से भी सोचना होगा। प्लानिंग के बारे में किसी को पता चला तो? एग्जैक्टली, हम सबको एक ही एंगल से नहीं सोचना चाहिए, सभी के तरीके अलग होने चाहिए जिससे कि कोई क्लू मिल पाए। किलर कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती से पकड़ा जाता है। लेकिन अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में किलर को पता चला तो बिना कोई देरी किए वो पहले हमें ही टारगेट करेगा, इसीलिए बहुत ही सावधानी से हमें आगे बढ़ना होगा। कहाँ जा रहे हो? वो क्या, मैं दुकान से मास्क ला रहा था। आप यहाँ क्या कर रही हैं?
इट्स ओके, तुम जाओ। क्या पता किसे ढूंढ रही है ये। डायमंड्स को मेरी बताई हुई जगह पर इसे देखो। यस, परसों मिले हुए स्टोन्स पॉलिश कर रहे थे, उसमें 450 कैरेट का डायमंड मिला। ये बात अभी पता लगी, पिछले 100 सालों में ऐसा डायमंड पहली बार मिला है। सो वंडरफुल। इधर लाओ। फैंटास्टिक, सुपर। हमारा यहाँ आना फायदेमंद साबित है। इट्स रियली वर्थ अ क्रोर्स यार। एक्सीडेंट फाइटिंग हरी, इसे तुरंत हमें अपने हेड ऑफिस भेजना होगा। शिट। वो आदमी, वो हथियार। हरी, रिलैक्स, रिलैक्स। बताओ क्या हुआ? उसने मुझ पे अटैक किया, मैं भाग के आ गया। क्या तुमने उसे देखा? वो नकाब पहने था, कुल्हाड़ी से मुझे मारने आ रहा था, और मैं भाग के आ गया। कौन था पता नहीं। कहाँ? चलिए मैडम, आपको दिखाता हूँ। जरूर वो किलर ही होगा। आइए, आइए इधर आइए, आइए। यही मुझे मारने वाला था मैडम। पता नहीं किधर चला। We missed him. हाँ, रंबा। इंद्र के पास जैसे रंबा है, इस बालू के पास भी वैसे ही रंबा है। इंद्र की तरह फेयर है समझी तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ रंबा, मेरे ख्वाबों की रानी, मेरे दिल में बसी हो रंबा। आज तो मैं इस लेटर को सबको दिखा के ही रहूंगा। ए, दे, अरे देना। अरे क्या कर रहा है? अरे अरे विजय, विजय आजा, ले 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 ले। अरे मुझे दौड़ा मत। आजा आजा देना। अरे देना। क्या हुआ? रनिंग कैसे? नहीं, लव रे, लव लेटर टू रंभा। ओह, रंभा कौन है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या नहीं? रंभा नहीं है, लव लेटर नहीं है, आखिर रंभा है कहाँ? अरे रे, आपको पता नहीं है, ये हीरोइंस को छोड़कर किसी और को लव लेटर लिखा ही नहीं है। एक्चुअली परसों तक राखी सावंत थी और अब रंभा का नंबर है। मेरी प्यारी रंभा, जब से तुम्हारा स्वयंवर का स्टेटमेंट देखा है, तब से होशियार रहने वाला मैं फ्यूज उड़े हुए बल्ब की तरह, गियर गए हुए बस की तरह हिल नहीं पा रहा हूँ। प्लीज लेटर दे दीजिए ना। रुक तो, रुक तो, दे दीजिए ना। देवदास की तरह दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता, कालीदास की तरह कलम नहीं पकड़ सकता। स्वीट देकर सरक जाओगी या दिल देकर गले लगा लोगी, तुम्हारी मर्जी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बालू फ्रॉम वज्र करू। बालू इट्स रियली फनी, आई एम सो सॉरी बट रियली फनी। तुम्हें एक बात पता है, रंभा की शादी हो चुकी है। यहाँ के सारे लोगों में से जेम्स की करतूत कुछ डाउटफुल है ना? मतलब इन सारे हाथों में उसका ही हाथ हो सकता है? पता नहीं, हो भी सकता है। मैडम, मैडम, सी, somebody is there. क्या हुआ? वहाँ कोई नकाब पहने घूम रहा है। कम, कहाँ है? इधर ही।
स्टेला 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 ओह माय गॉड स्टेला 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 ओह नो स्टेला स्टेला कैन यू हियर मी हियर मी स्टेला ये सब कहां गए तो जबरदस्त है थिंग मैसेज करते हैं एस, मतलब मतलब स्टेला उस आदमी को पहचान गई थी इसका मतलब हमारा ही कोई आदमी है जो ये मर्डर्स कर रहा है हमारे ही आदमी है तो आपके कलीग्स होने चाहिए इस गांव का आदमी होना चाहिए और स्मगलर्स राइट एस का मतलब डेफिनेटली स्मगलर्स ही है वो ही ऐसा कर सकते हैं मे बी लेकिन ऐसा मानने के लिए भी हमारे पास एविडेंस नहीं है इफ यू डोंट माइंड आई हैव अ सजेशन जस्ट टू बी सेफ इस जोन में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से एस से स्टार्ट होने वाले नाम वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे लेकिन हम किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते तो हमें उन सब से पूछताछ करनी होगी वो लिस्ट मैं तैयार करती हूँ ओके थैंक यू बट फर्स्ट पोस्टमार्टम में रखी गई स्टेला की बॉडी को उसके घर भेजने का इंतजाम कीजिए इट्स आवर ड्यूटी वी विल टेक केयर अबाउट दैट थैंक यू वी विल बी इन टच ऑलराइट ये सब करने वाले डेफिनेटली स्मगलर्स ही होने चाहिए उन्हें तो मैं देख लूंगा देखिए इतने दिन आपको मिले रंगीन पत्थरों को स्मगलर्स को बेचकर आपने उनसे रिश्ता बनाया है लेकिन अब वो लोग ऐसी हरकत पर उतर आए हैं कि खून भी करने लगे हैं हमें जो मर्डर क्लू मिले हैं उसमें किलर का नाम ऐसे शुरू होता है मतलब इन हथियारों के पीछे डेफिनेटली स्मगलर का हाथ है सो वैसे लोगों का साथ दिया तो या फिर कैसा भी कनेक्शन रखा तो माफ नहीं करूंगा जिंदगी से आज छोड़नी पड़ेगी समझ गए ना टेक केयर तुम इधर आओ उनका पता बताया तो अच्छा इनाम दूंगा सबसे कह देना चलो रे बताने पर ये हमें इनाम देंगे ये तो ठीक है और ये बात अगर उन्हें पता चला तो हमारी बलि चढ़ाएंगे फिर भी मर्डर करने वाले के नाम के आगे एस है तो वो स्मगलर्स हैं क्या ऐसे तो बहुत लोग रहते हैं हाँ सही कह रहे हो तो फिर चल हेलो
हेलो हेलो डैड। हेलो डैड। हेलो। सिग्नल नहीं मिल रहा। हेलो 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 डैड। दिस बेबी, तुम्हारी कोलीग की डेड बॉडी मुंबई पहुंचते ही मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप यहां कैसे? बीच में व्हीकल खराब हो गई, वहां पूछा तो यहां से रास्ता है बताया। ओह, ओके, चलिए। हे, दिस इज माय डैड। हेलो। हेलो सर, मोस्ट वेलकम। आई एम प्रभाकर राव, आवर टीम मेंबर्स। हाय, नाइस मीटिंग यू। I am Bharat Nandan, ex-serviceman. आप जैसे अच्छे officers के साथ risk face करते हुए मेरी सिंधु काम कर रही है, इसलिए I am really proud of my daughter. Of course, इन risky projects में ही thrillings के साथ problems भी तो रहते हैं, उन्हें face करोगे तो अच्छा है, okay? Oh, sorry, sorry. क्या है? आते ही ये class समझ रहे हैं ना? Military से duty की retirement लिया है, लेकिन आदतों से नहीं। इसीलिए ऐसा। चलें क्या बेटी? Yeah. Nice meeting you all. Okay, bye. Come on, follow me. क्या हुआ सर? रात के 2 बज रहे हैं और आप यहाँ खड़े हैं? नींद नहीं आ रही क्या सर? उन्हें नींद नहीं आती है, पिछले 5 सालों से वो सोए ही नहीं। ओह माय गॉड, किसी भी तरह के मुसीबत को झेल सकते हैं, लेकिन नींद हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, मतलब ओह, सोचने से ही डर लग रहा है। इनका कहीं इलाज नहीं हुआ क्या? हमने बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू ऑल, गुड नाइट। ठीक है, चलो बेबी। डैडी, यहाँ रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन में काफी प्रोग्रेस हुई है। हाँ। लेकिन ये मर्डर्स देखने के बाद तो मुझे नींद ही नहीं आती है। यहाँ आपकी हालत और मेरी हालत एक जैसी है। सलाम साहब। आप यहाँ कैसे? आप नींद ना आने से परेशान है ये मुझे पता चला है। उससे जो भी हो सकेगा वो इलाज मैं करूँगा साहब। लेकिन हमने तो आपको नहीं बुलाया। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटी, जैसे बेटे की भूख का माँ को पता चल जाता है, इस गाँव में किसी को कोई भी तकलीफ हो मुझे पता चल जाता है, मैं साहब का इलाज करूंगा। क्या कहा? इन पेड़ पौधों के इन्हें साथ? पेड़ पत्ते कह के इनकी बेइज्जती मत करो बेटा, इस जंगल में छू लेने से काटने वाले पत्ते हैं, जिंदगी चली जाए तो उसे लौटाने वाले पत्ते। लेकिन हैं। वो बेबी, वो बेचारे हमारी भलाई के लिए इलाज करेंगे कह रहे हैं ना, देखते हैं इनके इलाज से क्या होगा, आप इलाज कीजिए। शुक्रिया सर।
आज रात को आपको जरूर नींद आ जाएगी। ये इलाज अगर एक हफ्ते तक किया तो आपकी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। सलाम सर। नमस्ते। ये क्या मैडम, फकीर आके जा रहा है? वो डैडी को कोई पत्तों की दवा देकर गया है। कितनी भी दवा दो लेकिन माँ की नजर हम पर रहनी चाहिए। आज शुक्रवार है, इस गांव की माता से मन्नत मांगोगे तो सारे दुख दूर होते हैं मैडम। माँ, अच्छे लोगों को हमेशा बचाने वाली आप मेरे डैडी की भी इस तकलीफ को दूर कर दीजिए। चलो। तू जिनको लेटर लिखा उन सारे हीरोइंस की शादी हो गई। हाय। हेलो। दिस इज माय डैड। मीट माय फ्रेंड्स डैड, बालू एंड विजय। बालू। आई एम भरत नंदन। कहाँ जा रहे हो? टाइम और कहाँ जाएंगे? शंकर चाचा के ढाबे पर। सर, आज आपको भी हमारी बिरयानी का टेस्ट चखना होगा, प्लीज। आंध्रा बिरयानी यहाँ मिलती है? ये क्या डैड? अभी अभी तो मंदिर से आए हैं, अब बिरयानी। ओह, इट्स ऑल राइट बेबी, आई लव बिरयानी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। डैडी वो शिवा है, इस ढाबे में बिरयानी का स्पेशलिस्ट है। आई सी। चाचा जी, गेस्ट आए हैं। नमस्ते साहब जी, आप सिंदूरा के पिता हैं ना? आपको कैसे पता? आपकी तबीयत ठीक नहीं है सुना था। ओह माय गॉड, सारे मीडिया से, इस गांव का मीडिया बहुत फास्ट है। ऐसा कुछ नहीं साहब, वो क्या है ना साहब, नुकसान हो या तकलीफ हो अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है, पानी की मेंढक की तरह। आप क्या लेंगे साहब? मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है डैड, वन सॉफ्ट ड्रिंक। आप क्या खाओगे? तीन बिरयानी, वन कोक। ओ शिवा, तीन बिरयानी एक कोकला, बहुत अच्छी। ला रहा हूं। सर, एक बार यहाँ बिरयानी खाएंगे तो आप बार बार आएंगे। क्यों, इतनी बुरी होती है क्या? अरे छोड़िए ना मैडम, आप शिवा के हाथ से खाएंगी तो बार बार वापस यही आएंगे। और वो लोग खाकर पैसा देने के बजाय सिर्फ आशीर्वाद देकर जाएंगे। लीजिए। लीजिए सर। वाह, सच में तुमने जैसा कहा वाकई बिरयानी बहुत अच्छी है। रात के लिए भी बिरयानी पार्सल कर देना। नहीं नहीं, ये पार्सल ठीक नहीं रहेगा, इसे यहीं पे खाना अच्छा होगा। मतलब कि वापस हमें यहीं खाने के लिए आना होगा, लेकिन तुम पार्सल नहीं दोगे यही ना? अरे क्या बात है, आप आओगे तो हर बार स्पेशल बिरयानी बनवाऊंगा आपके लिए, जैसा उसने कहा। ये ठंडी हुई तो ठीक नहीं रहेगी। ओके ओके। कितने दिनों के बाद चैन से सो रहे हैं डैड। हे, डू यू नो व्हाट हैपेंड? डैडी सो रहे हैं। ओह, इट्स वंडरफुल। मतलब मंत्र का जादू अच्छी तरह से चल गया लगता है। वही तो मिरेकल लग रहा है मुझे, आज के दौर में ऐसा होगा मैंने सोचा ही नहीं था। चाहे जो भी हो मैडम, फिर भी उन्हें आराम से सोकर कितने दिन हो गए होंगे। एनीवे, आपको थोड़ा रिलीफ मिला? ऑफ कोर्स, लेकिन जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करती मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। ए मिस्त्री, एक 5,000 दे ना मिस्त्री, अगले महीने दे दूंगा रे। क्या भाई साहब, आप सब जानते हुए भी 1,000 देखे कितने दिन हो गए हैं। जब से रिजर्व वाले ऑफिसर आए हैं तब से पत्थर ढूंढना बंद हो गया, बेचना बंद हो गया है। मेरे पास है, बेच कर दोगे क्या? क्यों डर रहे हो क्या? देखिए, इस दुनिया में सब लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं। परसों दोनों को पकड़ा तो ये पत्थर मिले हैं। मैं तो डायरेक्ट नहीं बेच सकता, आप मेरी हेल्प करें तो, मतलब ये पत्थर अगर बेच कर दो तो आपको हिस्सा दूंगा। मुझ पर शक कर रहे हो क्या दोस्त? मैंने कभी गलत किया है क्या? मतलब चाहे जितना भी दूध डालो साहब को, कितना भी अच्छे से रहो, डिपार्टमेंट वालों पे जल्दी भरोसा मत करना। मेरा बाप बचपन में ही बोलता था साहब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, बिना किसी परेशानी के धंधा आराम से करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, दीजिए, बेच कर आते हैं। आते हैं साहब, चल रहे। डैडी की जिस बीमारी को बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाए, वो एक ही दिन में गायब हो गई। मतलब इट्स रियली मिरेकल। थैंक यू। शुक्रिया बेटी, ये लीजिए हमारी खुशी के लिए। नहीं साहब, किस लिए ये पैसे? नो, वैसी बात नहीं है। इस जंगल के पेड़ बिना किसी स्वार्थ के आदमी को जीने के लिए हवा देते हैं, खाने के लिए फल देते हैं, इलाज के लिए पत्ते देते हैं, और ये सब जानने वाले हम, आपसे फल की उम्मीद करना गलत बात है साहब। थैंक यू।
तुमने जो हमारी मदद की उसके लिए मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। कर्ज उतारने के वक्त आने पर मैं जरूर आकर आपसे मिलूंगा। आदाब। नमस्ते। देख कर देना। अरे बाप रे, देख कर देना मतलब देख कर हाथ में रखना नहीं, इसका रेट तो बोलो। अरे बाप रे, हमको बेवकूफ बनाता है, कंकड़ पत्थर ला करके हमको बोलता है कि रंगीन पत्थर है। अरे मुझे क्यों मार रहे? ए, भाग रे, भाग यहाँ, भाग 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 कहेंगे बिना सौदा किए चला गया। ए, रुक जाओ, रुक रुक। नजर में तो आ ही गए हो, बच के कहाँ जाओगे? व्हाट डैड, कल तो अच्छे से सोए थे आप और आज जाग रहे हैं, सेम प्रॉब्लम। पता नहीं, देखते हैं बेबी, वो जो भी हो एक दिन नींद आई मतलब समथिंग, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है ही ना। या बट कल जिस ट्रीटमेंट की वजह से आपको नींद आ गई थी वो मुझे पता नहीं चल रहा है, अगर उसके बारे में पता चल जाए तो हम उसे रिपीट कर सकते हैं। वी डू वन थिंग, कल हमने जो एक्टिविटीज की थी हम उसे रिपीट करके देखेंगे, देन वी सी। ओके, गुड नाइट, गो टू स्लीप, बाय। पता है परसों डैडी को फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद नींद आई थी, लेकिन कल फिर नहीं सो पाए, अगेन सेम प्रॉब्लम। हमने उस दिन क्या क्या एक्टिविटीज की थी? पहले ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट ग्रीन टी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, देन विजिट टू टेंपल, नो डिनर। कल और परसों में फर्क क्या था? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ग्रीन टी, द डिफरेंस इज लंच। कल लंच यहाँ पर किया था, परसों ढाबे में बिरयानी खाई थी। तुम्हारा मतलब बिरयानी से नींद आई थी? वैसी बात तो नहीं है, लेकिन उस दिन कौन सा कॉम्बिनेशन वर्कआउट हुआ उसे दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यहाँ हीरे तो मिल रहे हैं लेकिन सिगरेट नहीं मिल रहे हो? क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? ऐसे ही टाइम पास बस। ठीक है ठीक है, लगे रहो लगे रहो। ए, उधर देखो, भरत सर होंगे सर। चल छोड़, ला सिगरेट पिला। क्यों रे, हो गई क्या? एक और पैक डालो रे। अबे गधे, कहीं के सो गया क्या? बॉम्बे वालों से अपनी टीम वर्कआउट हुई ना, डायमंड किंग, हम ही है डायमंड किंग, हम ही है डायमंड किंग। ये मैगजीन तुमने पढ़ी है क्या बेबी? ये स्टोरी बहुत अच्छी है डैडी। अरे ये क्या सर? आप तो वहां खड़े थे ना। What? मैं वहां पर कहां था? मैं तो बहुत देर से यहां बैठा हूं। क्या देखा तुमने? परसों की तरह शैडो देखकर भरत सर ही समझे। चलो देखते हैं। कहां है? उधर देखो, यहां तो कोई नहीं है। जेम्स के ही साथ ऐसा हुआ मतलब तो फिर और कौन हो सकता है? जेम्स इधर आओ, इधर आओ, जेम्स, जेम्स इधर आओ, किधर आओ तुम जेम्स? क्या चल रहा है वहां पर? रोज एक मर रहा है तो तुम क्या उखाड़ रहे हो वहां? मेरी समझ में नहीं आ रहा है,
तुमने तो एक हीरे को भेजा था बोल रहे थे, क्या कर रही है वो वहाँ पर? सर वो सर नहीं कुछ नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके खूनी को पकड़ो। हेलो सिंदूरा। सर वहाँ पे बेगुनाह लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं, तो तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। सिंदूरा मैंने अपने आप से ज्यादा तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो वहाँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब भी फोन बजता है डर लगता है कि पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा। मेरी तो बीपी बढ़ रही है। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट रिजल्ट। I'm sorry sir, actually I don't want your explanation, I want result, only result. लीजिए कोल्ड ड्रिंक। हेलो आ रही हूँ, आई हैव टू गो। क्यों रे बालू, कोई लेटर आया क्या? हाँ आया है रे, आई बैंक से। उल्लू का ऑपरेशन होने वाला है, तू अपनी आंखें उल्लू को देगा क्या? नहीं नहीं उसको भी बड़ी होंगी। क्या राजू साहब आप भी ना, जा जाके अपना काम कर समझा। बेवकूफ कहीं का, हर किसी को मजाक लगने लगा है। और नहीं तो क्या, अभी तक लड़की की तलाश कर रहा है, अगर किसी से शादी नहीं किया ना तो ऐसा ही होने वाला है। अरे बाबा तू मुझे बता रहा है जैसे तू फुल एंगेज है। अरे यार तुझसे एक बात कहूँ क्या, जब से मैंने सिंधु को देखा है तब से दूसरा कोई ख्याल नहीं आता। सोते वक्त सिंधु, जागता हूँ तो सिंधु, आंखें खुली है तो सिंधु, आंखें बंद हुई तो सिंधु, कार पे पड़े तो सिंधु, दांत टूटे तो सिंधु। नहीं तो क्या, सिंधु को देखकर सबको कुछ ना कुछ हो रहा है, हम दोनों को तो बहुत कुछ हो रहा है। ये सारी फीलिंग्स उस तरफ से भी होनी चाहिए ना मेरे भाई। तो फिर पूछ ले क्या। क्या पूछेगा, यही कि किसे पसंद करती है। तू एक बड़ा सलमान खान है और मैं एक आमिर खान हूँ, और वो कैटरीना कैफ, तुम हम में से किसकी वाइफ बनोगी पूछते ही शर्मा कर हमसे लिपट जाएगी, यही सोच रहा है ना? वापस लेटर लिख रहे हो क्या? आप हैं? हाँ मैं ही हूँ। क्या बात है, फिर से किसी की चर्चा हो रही थी क्या? वो कुछ नहीं, हमको एक छोटा सा डाउट है, आप ही क्लियर कर सकती हैं। क्या है वो डाउट? हम दोनों एक लड़की को पसंद करते हैं, हमें ये पूछना है कि वो किसे पसंद करती है। लेकिन तुम दोनों के अलावा वो किसी और से एंगेज हुई या नहीं इस बात का पता किया तुमने? तुम दोनों रेगुलरली शंकर भाई के ढाबे पर जाते हो ना, वो कैसे आदमी है? इस गाँव में मेरी पसंद के सिर्फ एक ही आदमी है, शंकर चाचा। अचानक शंकर भाई के बारे में क्यों पूछ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे भी अपने गांव में एक ढाबा खोलना था, मतलब और उससे खाना बनवाने के लिए। हेलो बोलिए। जितने भी लोग मिस हुए हैं उन्हें ऐसे ही मारा है ना? It's disgusting. Don't worry, sir. मेरा शक एक बार सही होने के बाद वो किलर जहां भी हो मुझसे बच नहीं सकता। थैंक यू। हेलो 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 कौन बोल रहा है? सर मैं हूँ सर। कौन हो तुम? सर मैं हूँ बेवड़ा बीरू। हाँ बीरू बोलो। सर मुंबई गैंग और चेन्नई गैंग एक जगह मिलने वाले हैं। कहाँ? काले पत्थर वाले पहाड़ के पास। क्या इन्फॉर्मेशन है ना? दारू की कसम साहब। ठीक है मैं देख लूंगा, आज तो इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा। Thank you.
तुम वहां से फॉलो करो।
सिंदूरा के हाथ से खूनी बच निकला है। लेकिन क्या वो उसे जीने देगा गुरुजी? अरे बेवकूफ, सिंदूरा की आंखों में देखने से ही हर बार हारने की रोशनी दिखाई देती है। उसकी हार ही नहीं है, आज रात महल्ले की अमावस्या है, खूनियों को तांत्रिकों को फायदा है, इसलिए आज दिन ढलने तक खूनी का पता नहीं चला तो समझ जाओ सिंदूरा की जान को खतरा हो जाएगा। शैतान, कम ऑन मूव, स्टॉप, रुको, स्टॉप, रुक जाओ, खाना खाओ, रुक जाओ, छोड़ दो, स्टॉप, मत आओ यहाँ पे, रुक जाइए, छोड़ दो, मैंने कहा ना, कम ऑन, क्या बना रहा है तू, हाँ, क्या बनाकर डालता है, बता बिरयानी में कौन सा मांस डालकर बना रहा है तू, हाँ, बोल, अब चुप क्यों है, बता ना, बोल, बोल, बता जल्दी बता। क्या हुआ बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? इंसान या जानवर हो? लोगों को खिलाने के लिए इंसानी मांस ही मिला तुमको? इंसानी मांस? क्या नाटक कर रहा है तू? तुझे तो मत मारो, चल, मत मारो, मत मारो, नहीं उन्हें मत मारिए, मैं बताता हूँ। वो कुछ नहीं जानते, ये सब कुछ मैंने किया है, सबका खून मैंने ही किया है। ए, ए, ए। हाँ, चुप रहा तू। साहब साहब कहकर चूल्हे के पास रहकर ये क्या कर दिया तूने? एक जंगली जानवर भी इंसान को इस तरह से मारकर नहीं खाता, तू तो उन जानवरों से भी गया गुजरा है। छी, गलती इसकी नहीं है, मेरी है। इसकी जो भी सजा हो वो मुझे मिलनी चाहिए। लाशों को नोच कर खाने वाले को लाकर सगे बेटे की तरह पाल कर बड़ा करने के लिए मुझे मारना चाहिए, मुझे, मुझे। What? लाशों को नोच के खाने वाला? हाँ बेटी, अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार के लिए काशी गया था तो वहाँ ही से। बचपन में ही आधा जले हुए लाशों को नोच कर खाता देख मेरा मन पिघल गया। ये अनाथ अघोरियों के साथ मिलकर ऐसा बना होगा ये समझकर इसे किसी भी तरह इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे पता चला है राक्षस कभी इंसान नहीं बन सकते। बचपन से लगी हुई आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। अरे इतना बड़ा पाप क्यों किया तूने? क्या कमी की थी मैंने, क्या कमी की थी मैंने, बोल। आपको कोई कमी ना हो इसलिए किया साहब। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया साहब। वो दुबई रानी ढाबा खोलने के बाद अपने हालात का दिवाला निकल गया था, तो आपकी परेशानियों को देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं मर जाना चाहता था। ऐसे समय में कुछ लोग उस दिन आए, मटन बिरयानी का ऑर्डर देकर पीने बैठ गए। अरे जल्दी आया मटन, जल्दी ला। अरे बोला ना ला मटन, मटन ला। ए जल्दी से जा, जल्दी ला भाई। अरे रख रख, बढ़िया है वागे मटन, बहुत अच्छा है यार। अरे और लेके आ भाई, और ला, ला, ये ले, पैसा ले, ये भाई, और ऐश कर, रख रख, ऐश कर, चल, मजा कर, सारी पैसे ले जा। वैसे उस खाने की आदत गिरने के बाद वही चाहिए कहकर रोज आकर मुझसे झगड़ा करते थे। उसके बजाय सादा मटन कितना भी अच्छा बनाऊं वो सब उनको पसंद नहीं आता था। इधर आ रहे है? क्या हुआ सब? क्या बिरयानी आ रहा है? सही बिरयानी नहीं है, परसों बनाया था वैसी बिरयानी ला। उसमें लेकर तभी मैंने ठान लिया कि एक अनाथ को पाल पोस कर बड़ा करने वाले साहब के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। मैंने अपने अंदर के सोए हुए अघोरी को जगा दिया
और मैंने शुरू कर दिया इंसानों को मारना। कठिन हालातों में लाशों को मैं काटकर 3 दिन तक बिरयानी बनाता रहा, लेकिन हमेशा साथ रहने वाले गांव वालों को कभी कुछ नहीं करता था। नए नए आए हुए ऑफिसर्स आसानी से मिल जाते थे। मैंने बहुत बदलने की कोशिश की, लेकिन एक बार खाने के बाद कोई भी मानता नहीं था। यस, कैनिबलिज्म मतलब मैन ईटिंग। इंसान ही क्या, अगर जंगल के शेर भी नरभक्षी बन जाएं तो दूसरे जानवरों को नहीं मारते, चाहे जितने भी दिन हो इंसानों को ही मारकर खाते हैं। ह्यूमन फ्लैश इज एडिक्टेड फूड, एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग। इसीलिए उस दिन उसको खाते ही मेरे डैडी आराम से सो गए थे। मैंने कोई जानबूझकर तुम्हारे पिता को। शट अप, इंसान होकर इंसान को खाते हो? किस सदी में है हम? तुझे बचपन से आदत है ना, इसीलिए तुझे कॉमन लगा होगा। मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। तुझ जैसे लोगों का इस समाज में जिंदा रहना बहुत ही खतरनाक है। खाने की उनको आदत लग गई है और इंसानों को मारने की तुझे। टेक हिम इनटू कस्टडी। हार्डली कंग्रेचुलेशन सिंदूरा। थैंक यू सर। यू डिड अ वंडरफुल जॉब। जेमोलॉजिस्ट बनके हमारे साथ रहते हुए अपने ऑपरेशन में सफलता हासिल करने के साथ गांव वालों की मदद हमें दिलाकर तुमने हमारी बहुत मदद की है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है सर। किलर को तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन हमारे ही ग्रुप के कुछ लोग मिस हो गए, ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी मैडम, आप कौन है जाने बिना आपके ऑर्डर फॉलो नहीं किया। इट्स ओके मिस्टर देवदास, फिर भी आपकी ड्यूटी में आपके सुपीरियर्स के अलावा किसी की बात न मानने वाले सिंसियर ऑफिसर है ना आप तो। मैडम सॉरी कहने के बाद भी आप मान ही नहीं लगते। ओके मजाक कर रही हूँ, इन लोगों का ख्याल रखना। Sure, madam. और हाँ, वो हमेशा मस्ती करने वाले बालू राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब कहाँ के बालू राजा मैडम, क्लास मास्क देके होशियारी करके आपको बहुत फंसाने की कोशिश की दोनों ने, लेकिन आप स्पेशल ऑफिसर हो जान करके वो कब का भाग गए। सिंदूरा, शिवा ये सारे खून कर रहा है, ये तुम्हें कैसे पता चला? एक के बाद एक खून होते जा रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि ये सब कौन कर रहा है, तभी मेरी कुलीग स्टेला का खून हो गया। खूनी का नाम एस से स्टार्ट होता है, ये क्लू मिलने पर आखिर खूनी है कौन? शंकर भाई, स्मगलर्स, शिवा, ऐसे ही ऐसे स्टार्ट होने वाले लोगों के बारे में सोच ही रही थी कि एक दिन मेरे डैडी की हेल्थ में बदलाव आया। उसकी वजह शंकर भाई के ढाबे का फूड ही है ये सस्पेक्ट करके मैंने चुपचाप से शंकर भाई के ढाबे से बिरयानी के कुछ पीस निकाल लिए और वो लैब टेस्ट के लिए भेज दिए। उन टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद बॉस ने मुझे फोन किया। सिंदूरा, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे सामने है। What you're expecting is correct. तुमने भेजे हुए सैंपल्स को एनालिसिस किया। That dish was cooked with the human flesh. What? इतना ही नहीं, तुमने इतने कॉन्फिडेंस से अपने मेंबर्स का डीएनए रिपोर्ट मिलाकर देखा तो रिसेंटली मिस हुए जर्नलिस्ट जेम्स के डीएनए रिपोर्ट से तुमने भेजे हुए सैंपल बिल्कुल टैली हो रहे हैं। Oh my God! मेरे बॉस का फोन आने के बाद किलर को पकड़ने के मामले में कहीं मुझे कंफ्यूज ना कर दें, इसलिए मैंने देवदास जी को स्मगलर्स की तरफ भेज दिया। उसी वक्त किलर को मैं और स्मगलर्स को देवदास जी पकड़े, ऐसा मैंने प्लान किया था। थैंक यू मैडम, स्मगलर्स के हाथों किलर्स के हाथों हम सबको बचाने के लिए आपको जरूर पार्टी देंगे हम। तो फिर आज शाम को आप सबको पार्टी। कहां? शंकर भाई के ढाबे पे। हाँ? हाँ?